वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। ठीक है, कई सारे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम कोरोना वायरस के बारे में हमें थोड़ा सा बताइए, कैसे इन्फेक्शन होता है इसका। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोरोना वायरस के बारे में। देखिए, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने इम्यून सिस्टम और वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है वैक्सीन, इसके बारे में हमने बताया था। ओके, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए और फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये कोरोना वायरस कैसे अटैक करता है। तो चलिए बात करते हैं इस कोविड-19 वायरस की। कोविड-19, सबसे पहले बात करते हैं इस वायरस के स्ट्रक्चर की। इस वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखिए ये है वायरस। ओके, इसके चारों तरफ इस तरह से एक पूरा कवर होता है। ओके, ये पूरा पूरा जो मैंने कवर बनाया है गोल गोल सा और इस पर निकली हुई ये जो होती हैं, इनको हम बोलते हैं, इसको पूरा का पूरा जो कवर है ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है ये कवर? प्रोटीन का। और इस वायरस में अंदर की तरफ इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, जिसे मैंने रेड कलर से दिखाया है। नॉर्मली जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए बना होता है ज्यादातर खतरनाक होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। ठीक है, बट इस कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये आरएनए का बना होता है। इस वायरस की खास बात क्या है कि इसका जो आरएनए है, इसके लिए प्लस पॉइंट बता रही हूं मैं कि ये जो आरएनए है इस वायरस का, ये आरएनए खुद आरएनए बना सकता है। समझ में आ रहा है आपको? जैसे कि ये आरएनए है और एग्जैक्ट ऐसी ही एक और कॉपी बना सकता है ये, उससे एक और कॉपी बना सकता है ये। समझ में आ रहा है? ये वायरस अपने एक आरएनए से कई आरएनए बना सकता है, बट ह्यूमन सेल्स के अंदर, बाहर नहीं, बॉडी की सेल्स के अंदर ये एक आरएनए से कई आरएनए बना सकता है। दूसरी इसकी जो खास बात है कि ये आरएनए से प्रोटीन भी बना सकता है। ये इस आरएनए से ये पूरी की पूरी जो प्रोटीन है जो मैंने दिखाई हुई है बाहर कोट इसका, ये इसे भी बना सकता है। समझ में आ रहा है? ये इसका जो आरएनए है ये आरएनए से आरएनए भी बना सकता है और ये इस आरएनए से अपने ये चारों तरफ की प्रोटीन भी बना सकता है। ओके, चलिए अब हम बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर इसका इन्फेक्शन किसी को होता है, कोई वायरस जिसकी बॉडी में है, अगर उसने कुछ वायरस पार्टिकल अगर उसके मुंह से कुछ निकलते हैं, ठीक है, और ड्रॉपलेट्स फॉर एग्जांपल, और उसमें वायरस पार्टिकल होते हैं और वो किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं नोज के थ्रू, तो वो कहां जाएंगे? सबसे पहले लंग्स में। नोज से कहां जाएंगे? वो लंग्स में, वहां रोकने की पूरी पूरी तैयारी होगी। ठीक है, बट अगर वो लंग्स तक पहुंच जाते हैं तो फिर वहां वो कहां पहुंचेंगे? सेल्स के अंदर। कहां पहुंचेंगे? बॉडी की सेल्स के अंदर। तो यहां पर मैं एक सेल का डायग्राम बना रही हूं जिससे कि आपको इसकी पूरी मैकेनिज्म समझा सकें कि ये किस तरह से आता है। ये मैंने आपको बना रखा है क्या? बॉडी की सेल। ओके, चलिए अभी बॉडी की सेल बना दी हमने, यहां पर हमारा खुद का एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ओके, अब ये बॉडी की सेल हमने बना दी, अब ये वायरस आ गया यहां बॉडी की सेल तक, बट अंदर एंट्री होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करता है एक रिसेप्टर का। ठीक है, यहां पर बॉडी की सेल के बाहर एक रिसेप्टर होता है। ओके, इसको हम नाम याद कर लो अच्छी तरह से, इसको हम बोलते हैं ACE2। इस रिसेप्टर का क्या नाम है? ACE2। इसकी फुल फॉर्म है यहां लिख देती हूँ इसकी फुल फॉर्म, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। इस ACE2 की फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन, ए फॉर एंजियोटेंसिन, सी फॉर कन्वर्टिंग, ई फॉर एंजाइम 2। ये हमारी बॉडी की सेल पर होते हैं ये रिसेप्टर, बट ये रिसेप्टर कोरोना वायरस को अंदर लाने के लिए नहीं होते, ये हमारी बॉडी की सेल्स को प्रोटीन अंदर लाने के लिए होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उस प्रोटीन को अंदर लाने के लिए होते हैं, हमारी बॉडी की प्रोटीन को अंदर लाने के लिए। बट
यहाँ इस केस में क्या होता है कि ये कोरोना वायरस के ये जो इस तरह से बाहर का जो प्रोटीन कोट है ये इससे बाइंड कर जाता है वायरस, ये जो वायरस है ये भी इससे बाइंड कर जाएगा और हमारे बॉडी के रिसेप्टर को ये पता ही नहीं चलेगा कि हम अपनी बॉडी की प्रोटीन को ना बाइंड करके हमने किसी वायरस को बाइंड कर रखा है। समझ में आया? देखो ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि आपने अपने जो घर है उसके बाहर एक गेट कीपर लगा रखा है और उस गेट कीपर का काम है कि तुम्हारे घर का कोई भी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे फादर, ठीक है, जब भी वो बाहर से अंदर आए उनका फेस वो रिकॉग्नाइज करे, ठीक है, और उनको अंदर आने दे, आपके फादर के अलावा वो किसी और को अंदर ना आने दे। बट अगर कोई टेररिस्ट तुम्हारे फादर की जैसी शक्ल का हम शक्ल हो, ठीक है, तो तुम्हारा वो जो गेट कीपर है वो उसको भी अंदर आने देगा, उसका भी वेलकम करेगा, ठीक है, उसको तो नहीं पता कि ये वो नहीं वो है, तो वो अंदर आएगा और अंदर आके वो टेररिस्ट क्या करेगा ये आप अंदाजा लगा ही सकते हो। तो सेम ऐसा ही कुछ यहां होता है कि ये जो रिसेप्टर है, क्या नाम है इसका, ACE2, ये जो रिसेप्टर है जो हमारी बॉडी की प्रोटीन के लिए होता है उसको अंदर लाने के लिए होता है, ये कोरोना वायरस को अंदर बाइंड करके ले आता है। ओके, तो चलिए अब इस कोरोना वायरस को अंदर कर देते हैं, ठीक है, ये कोरोना वायरस यहां पर अंदर आ गया, ये हमने बना दिया यहां पर कोरोना वायरस। ओके, ये इसका आरएनए। अब यहां ये क्या करेगा भाई, अंदर तो आ गया, अब ये एक अकेला क्या कर लेगा, एक अकेला क्या कर लेगा, कहीं कोई आक्रमण करना है तो सेना पूरी होनी चाहिए, अकेला आ गया ये, लेकिन अब ये अपनी सेना खुद बनाएगा। अब देखो ये कैसे बनाएगा, ये क्या करेगा कि इसका जो आरएनए है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि ये आरएनए बाहर निकलेगा। अब ये बाहर कैसे निकलेगा कि तुम्हारी बॉडी के यहां पर तुम्हारी बॉडी की सेल्स में लाइसोजाइम होते हैं, लाइसोसोम, तुम्हारी बॉडी की सेल्स में लाइसोसोम होते हैं, ये लाइसोसोम के अंदर एसिड होता है, लाइसोसोम्स में क्या होता है एसिड, ये लाइसोसोम्स क्या करेंगे, इनका जो एसिड है वो कोरोना वायरस की वॉल को डिसॉल्व कर देगा। समझ में आ गया, इनका जो एसिड है वो क्या करेगा, डिसॉल्व वायरस वॉल, ये क्या करेगा, इस कोरोना वायरस की वॉल को डिसॉल्व कर देगा। अब हमारे पास कोरोना वायरस का क्या बचा, आरएनए। अब जैसा ही मैंने आपको बताया था कि वायरस के आरएनए के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो आरएनए से आरएनए भी बना सकता है और वो आरएनए से प्रोटीन भी बना सकता है, यानी कि ये जो आरएनए है जिसको हम बोलते हैं वायरल आरएनए, ये कई सारे और आरएनए बना लेगा, ठीक है, आरएनए को रेड कलर से ही दिखाएं, ये कई सारे और आरएनए बना लेगा। मैंने बोला ना अकेला क्या कर लेगा, फोर्स तैयार करनी है उसे, अपनी पूरी सेना तैयार करनी है, तो देखो कैसे सेना तैयार हो रही है, देखो समझो उसको कि वो अपनी सेना तैयार कैसे कर रहा है, आया अकेला था, अब देखो कितने सारे वायरस बनते हैं, ये वायरल आरएनए कई सारे आरएनए बना लेगा। चलो अब ये वायरल आरएनए, मैंने क्या बताया कि ये आरएनए से प्रोटीन भी बन जाती है, ये वायरल आरएनए अपना ऊपर का प्रोटीन कवर भी बना सकता है, तो यहां क्या करेगा, ये वायरल आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का कवर भी बना लेगा, ये वायरल आरएनए अपनी प्रोटीन का कवर भी बना लेगा। अब ये जो प्रोटीन है ये इस तरह से फोल्ड होके गोल हो जाएगी, ठीक है, और ये वायरस का जो आरएनए है ये प्रोटीन के कवर के अंदर चला जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कुछ चूड़ी है, ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल आरएनए है, ये आरएनए, ठीक है, और ये जो है ये प्रोटीन है, तो क्या होगा, ये जो आरएनए है ये इस प्रोटीन के कवर के अंदर आ जाएगा और ये गोल गोल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही दूसरा आरएनए इस प्रोटीन के कवर के अंदर आएगा, ठीक है, और ये गोल हो जाएगा, फिर तीसरा आरएनए इस प्रोटीन के कवर के अंदर आएगा, ये गोल हो जाएगा, इस तरह से आरएनए प्रोटीन के कवर के अंदर आते जाएंगे और गोल गोल शेप लेते जाएंगे, यानी कि आरएनए प्रोटीन का कवर, लो बन गया नया वायरस, आरएनए है ये, ठीक है, प्रोटीन का कवर उसके चारों तरफ बन ही जाता है, ठीक है, इससे हो गया तुम्हारा नया वायरस। तो
तो क्या होगा यहां पर, ये क्या करेंगे यहां पर, कई सारे नए नए वायरस बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो आरएनए है ये सब, तो आपने देखा किस तरह से कोरोना वायरस अंदर आता है और अपने आरएनए को कॉपी करता है और कॉपी करके प्रोटीन को बना के, कॉपी करके प्रोटीन बना के और किस तरह से नए नए वायरस बना लेता है, यहां पर नया नया वायरस बन जाएगा। आए कितने थे, एक। सेल के अंदर हो कितने सारे गए, अनकाउंटेबल। तो आपने देखा किस तरह से केवल एक वायरस आया था और उसने तुम्हारी सेल के अंदर कितने सारे वायरस बना लिए, ये तो मैंने बहुत कम बनाए, इससे भी ज्यादा बन जाते हैं। अब ये सेल पूरी वायरस से भर गई, ठीक है, ये जो वायरस है हम बोलेंगे कोरोना वायरस, ठीक है। अब ये जो सेल है ये पूरी वायरस से भर जाएगी, पूरा इन्फेक्शन हो गया इस सेल में। अब ये सेल का क्या होगा, ये सेल फटेगी और ये वायरस क्या करेंगे, अब किसी दूसरी सेल में जाएंगे, हमारी बॉडी की किसी दूसरी सेल में जाएंगे और वहां भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर होगा, ठीक है, और वहां अटैक करेंगे। मतलब एक हिस्से पे हमने कब्जा कर लिया, अब दूसरे हिस्से पे कब्जा करेंगे, फिर तीसरी सेल में जाएंगे, फिर चौथी सेल में जाएंगे और इस तरह से तुम्हारी बॉडी की सेल्स को पूरी तरह से ये कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन बहुत अच्छी तरह से फैल गया है, ओके। तो अब आपको समझ में आया किस तरह से कोरोना वायरस आता है और किस तरह से उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है। हमारी बॉडी की सेल्स, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है। जैसा कि मैंने बताया आपको पिछली वीडियो में कि हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम होता है, ठीक है, और वो डिफेंस सिस्टम हर तरह के वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता है। और यहां भी इस केस में होगा, अब डिपेंड करता है कि इस लड़ाई में जीतता कौन है। जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है उसका इम्यून सिस्टम यानी उसकी बॉडी की सेल्स जीतती है और वायरस हार जाता है, उसका इन्फेक्शन नहीं हो पाता। बट जहां वायरस स्ट्रांग होता है और इम्यून सिस्टम वीक होता है वहां ये वायरस इसी तरह से पूरी बॉडी में फैल जाता है और बीमार पड़ जाते हैं। तो अभी इसकी वैक्सीन पर काम चल रहा है, होप जल्दी इसकी वैक्सीन आने वाली है, ओके। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, टेक द स्क्रीनशॉट।